ये पूरी भाजी का है क्या? पूरी के साथ। और ये अभी सर हम लोग ना जब काम सीखते थे तो हम लोग के उस्ताद पूरी बनने के लिए मांग खाना। भाई ये क्या बना रहे हो? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा कैसे बनाते हैं? मतलब ये सान के आटा वाटा इसको गोल गोल बनाते हैं ना, बिना भी सेकते इसको वही क्या और ये क्या भाई? पूड़ी भाजी है, आलू मटर की सब्जी है। और भाई टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया है। क्या है ये? लिट्टी चोखे का सब भाजी है। कौन दिखाओ ये किसके साथ खाते? भाजी के साथ खाते भौरी का। ये पूरी भाजी के साथ। ये पूरी भाजी का है क्या? पूरी के साथ खाते। और ये? ये और ये लिट्टी चोखा सब्जी है, लिट्टी से खाना है। किसके साथ खाते? लिट्टी से, भौरी से। चटनी और मुझे भी और भी रेसिपी आती है जो भी स्वीट्स में वगैरह भी आता होता है। और मैंने अभी तक अपना काम करते भाई मुझे 10 साल हो गया। मैं 2008 से करीब मैं काम पे सीख रहा हूँ धीरे धीरे। तो मैंने काम सीखा है बनारस से, बनारस में मैंने काम सीखा है दासरी स्वीट हाउस करके, बहुत फेमस सीखा है। और मैंने पार्टी अभी सर हम लोग ना जब काम सीखते थे तो हम लोग के उस्ताद पूरी बेलने के लिए मांग खाना पड़ता था। सीखने टाइम उन लोगों का कहना था क्या, 2 बेलन में पूरी तैयार होना मांगता। मतलब कैसा? जैसा देखिए अभी आप एक ये लगाए, एक हो गया, अभी उल्टा किए, अभी दो हो गया, ये पूरी तैयार हो गया। ऐसा उन लोगों का कहना था कि 2 बेलन में पूरी तैयार, मतलब बार बार 4-5 बेलन लगाने का नहीं, 1 बेलन लगाने की सीधा उल्टा किए पूरी को, ऐसा घुमा दिए क्योंकि आपका पूरी तैयार हो गया 2 बेलन में। क्योंकि बड़े बड़े पार्टीज में ना काम बहुत ज़्यादा रहता है और टाइमिंग बहुत कम रहता है, तो अभी एक पूरी बनाने में 4-5 मिनट लगाने में तो बहुत टाइम लगता है, तो फटाफट करने के लिए ऐसा प्रेशर रहता था। तो वो तो हम लोग के अच्छे के लिए बोलते थे कि कुछ सीखेंगे तो अच्छा ही रहेगा अपनी भी। इतना जल्दी पूरी नहीं बनाएगी, वो भी 4-5 मिनट तो लगाएगी, हम लोग का बस 2 मिनट में काम हो जाता है।